फ्रेंड्स, वेलकम टू केटीवीटी व्लॉग्स। हाउ आर यू ऑल। तो आज हम लोग निकले हुए हैं टिहरी घूमने के लिए। एक्चुअली इससे पहले दो बार मैं ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि हस्बैंड जो है वो दो बार, उनकी एक्चुअली वहाँ पे ब्रांच है तो उसमें दो बार विजिट के लिए जा चुके हैं, लेकिन दोनों बार हमारा पॉसिबल नहीं हो सका जाना क्योंकि बच्चों के एग्जाम चल रहे थे। वैसे तो बच्चों के PA3 फिर से स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन अभी स्कूल में एनुअल डे की वजह से वो थोड़ा आगे पोस्टपोन हुए हैं, अभी नहीं हो रहे हैं। तो मैंने कहा अभी बहुत अच्छा टाइम है, सिपा ने हम भी जिद करके फाइनली हम आ गए साथ में। हमने कहा इस बार हमें भी लेके चलो, हमें भी जाना है क्योंकि इसके बाद वहाँ पे स्नोफॉल वगैरह स्टार्ट हो जाता है तो वेदर थोड़ा है, मतलब स्नोफॉल भी अच्छी चीज है लेकिन जाने का अभी इतना मन नहीं है स्नोफॉल में, क्योंकि वो हमने अल्मोड़ा में भी देखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें टिहरी डैम वगैरह, टिहरी में जो डैम है वो सब देखने का हमें बहुत एक्साइटमेंट है। वहाँ पे अगर जाने देते हैं तो ट्राई करेंगे। फिलहाल अभी बस निकल चुके हैं, थोड़ा ही रास्ता अभी बस पार हुआ है। अभी हमें यहाँ से कम अभी 2 घंटा लगेगा पहुँचने में। पहाड़ लेकिन शुरू हो चुके हैं आसपास के एरिया में, ये देखिए बहुत खूबसूरत सा रास्ता है। पहाड़ तो वैसे ही खूबसूरत होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी खूब लैंडस्लाइड होता है बारिशों के मौसम में। यहाँ पे जो इनकी टीम है उन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि मत आना सर। और ये देखिए, ये वही पुल, ये पहाड़ी नदी है। वैसे बहुत भरी हुई होती है जब बारिशें वगैरह होती है, लेकिन अभी फिलहाल बहुत कम पानी है। ये देखिए यहाँ पे लंगूर है। जैसे जैसे ठंडी जगह आने लगेगी बंदर कम मिलते हैं, ये लंगूर ज्यादा मिलते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पानी आ रहा है ऐसे ऊपर से, बिल्कुल जैसे अल्मोड़ा में हमने देखा था। ये टिहरी के रास्ते में ही पड़ रही है, छोटी छोटी चीजें देखने में इतनी अच्छी लग रही हैं, नेचुरल। ये कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। कितनी हरियाली, कितना अच्छा सा दिख रहा है, ये पूरा शहर दिख रहा है नीचे बसा हुआ। ये देखिए कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। अभी निकलते हैं फिर से वरना लेट हो जाएगा। ये है नरेंद्र नगर है जो दिख रहा है। ये काफी, मतलब बहुत बड़ा एरिया नहीं है, छोटा सा ही शहर है यहाँ पे, लेकिन काफी पॉपुलर है यहाँ पे। यहाँ पे एक, मतलब नरेंद्र जी महाराज को उनका किला भी था, तो अब उसको फिलहाल होटल में तब्दील कर दिया गया है। तो फिलहाल ये छोटा सा जो शहर दिखाई दे रहा है ये नरेंद्र नगर है यहाँ का। यहाँ पे भी बारिश की वजह से काफी रास्ता टूटा उटा हुआ है और अभी तक देखो पहाड़ों से पानी गिर रहा है अभी तक भी। और ये सारा, ये देखिए बोल्डर वगैरह ये नीचे आके गिरे हुए हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है, और पानी कितना सारा आ रहा है ऊपर से। लेकिन एक चीज है, अब इसके आगे जो रास्ता है यहाँ तक का, मतलब नरेंद्र नगर तक का रास्ता जो आपका है वो थोड़ा है पतला या संघर्ष टाइप का, लेकिन आगे जब आप नई टिहरी कहते हैं उसे, क्योंकि पुरानी टिहरी जो है वहाँ पे अब डैम बना दिया गया है, तो जो नया नगर बसाया गया उसको नई टिहरी कहते हैं, तो अब वो आने वाला है। तो जब उसका रास्ता जो स्टार्ट हुआ है, अब वो रास्ता प्रॉपर जैसे शहर में आपके अच्छे रास्ते बने होते हैं, चौड़े रास्ते वैसे बने हुए, मैं थोड़ा सबको दिखाती हूँ। यहाँ भी अभी थोड़ा बहुत ये है कंस्ट्रक्शन की वजह से, क्योंकि अच्छा हाईवे बना रखा है अभी यहाँ पे। पहाड़ पे पहुंचते पहुंचते आसमान का कलर कितना खूबसूरत ब्लू दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्लेन्स में जब जाओ ना तो वहाँ बादलों का कलर चेंज हो जाता है, और यहाँ इतने अच्छे अच्छे बादल दिखाई दे रहे हैं। और ये जो सामने अभी ये कुछ शॉप्स वगैरह पड़ गई है, दिखाई नहीं दे रहा, अभी मैं दोबारा आपको दिखाती हूँ। एक मिनट, सामने जो शहर दिखाई दे रहा है ना आपको छोटा सा, ये चंबा है, कई मूवीज वगैरह में भी ये नेम सुना होगा। आज फिलहाल हमने देख भी लिया, ये तो ट्रीज वगैरह सब बहुत है ना यहाँ पे, ये शहर जो दिखाई दे रहा है ये है चंबा। हम पहुंच गए चंबा की पहाड़ियों में, अभी थोड़ी देर लगेगी हमें बस, यहाँ से हमें 1.25 घंटे करीब लगेगा और फिर हम पहुंच जाएंगे न्यू टिहरी। यहाँ शुरू हो गए चीड़ के पेड़ दिखाई देना, और बीच बीच में देवदार भी दिखाई दे रहा है। और देवदार का पेड़ दिखने का मतलब होता है कि आप किसी ठंडी ठंडी जगह पर पहुंच गए हैं, जहाँ पे कि गर्मियों में भी वेदर आपका बहुत अच्छा रहता होगा, क्योंकि चीड़ और देवदार दोनों साथ में, मतलब ऐसी जगहों पर ही होते हैं जहाँ को सर्दियों में भी अच्छा लगता है और गर्मियों में भी। सर्दियों में तो खैर दिसंबर में तो एक्सेस में हो जाती है, लेकिन अभी फिलहाल बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे। बस हम थोड़ी देर में अब अपने टिहरी, नई टिहरी पहुंचने वाले हैं। उसका नाम चेंज हो चुका है, दूसरी जगह शिफ्ट हो गया टिहरी, उसका मैं आपको भी बाद में बताती हूँ क्या स्टोरी है। और बस अभी में थोड़ा टाइम लगेगा, चंबा से हम बाहर निकलने वाले हैं और टिहरी का स्टार्ट होने वाला है। निकल चुके हैं,
हस्बैंड कह रहे हैं हम निकल चुके हैं, अब बस यहाँ से थोड़ी दूर है टिहरी, तो होटल पहुंच के आपको होटल रूम दिखाते हैं फिर। चार और दही, इससे आप समझ चुके होंगे हम लोग क्या खाने वाले हैं। पराठे, आलू प्याज के परांठे और आलू प्याज पनीर के परांठे और पंच के फ्रेंच फ्राइज और पेप्सी। ये देखो कोल्ड ड्रिंक लेके बैठे।